छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा की ग्राम पंचायत सड़वा अंतर्गत पुखरिया सरकार मंदिर परिसर में शनिवार को सरपंच संघ की बैठक में बड़ा मलहरा जनपद की 79 ग्राम पंचायतों के सरपंच संघ के अध्यक्ष जयहिंद सिंह यादव व कलन अहिरवार को समर्थकों ने चुना। जानकारी के मुताबिक दोपहर में जनपद अध्यक्ष राघव राजा की अध्यक्षता में आयोजित सरपंच संघ की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सरपंच संघ अध्यक्ष पद के लिए दो दावेदारों में महाराजगंज ग्राम पंचायत के सरपंच जयहिंद सिंह और सैनपा ग्राम पंचायत के सरपंच देवीदीन उर्फ कलन अहिरवार ने अपनी दावेदारी जताई। दोनों पक्षों में सर्वसहमति नहीं बनने पर महाराजगंज ग्राम पंचायत सरपंच जयहिंद सिंह यादव को उनके समर्थकों ने सरपंच अध्यक्ष पद की माला पहनाई, जबकि दूसरी ओर सैनपा सरपंच देवीदीन अहिरवार को उनके गुट के सरपंचों ने माला पहनाई और दोनों को उनके समर्थकों ने अपना अध्यक्ष घोषित किया। इस तरह बड़ा मलहरा जनपद क्षेत्र के सरपंच संघ के दो अध्यक्ष जयहिंद यादव और देवीदीन उर्फ कलन अहिरवार रहेंगे। देखिए, मैं पहले तो बब्बा जी के चरणों में अपना सिर झुकाता हूं और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। और आज बब्बा जी के दरबार में सभी सरपंचों की ओर से मुझे निर्भर चुनाव अध्यक्ष बनाया गया सरपंच संघ का। मैं सभी सरपंचों के अभिनंदन वंदन करता हूँ और मैंने तय भी किया है कि किसी सरपंच के साथ कभी सौतेला व्यवहार नहीं होगा। जो भी जनपद में राशि आएगी तो सभी सरपंचन को एक बराबर राशि मिलेगी, कोई सौतेले व्यवहार नहीं होगी। यहाँ से लड़ाई मुझे प्रदेश तक लड़ने पड़े तो मैं विधानसभा क्वेश्चन लगवाने के लिए तैयार रहूँगा, चाहे जिला हो, चाहे जनपद हो, चाहे भोपाल हो। मैं सभी सरपंचन की लड़ाई भोपाल तक लड़ूंगा, ऐसे मेरी कोई दो राय नहीं है। मैंने कभी ना पीछे हटने का काम किया है और ना मैं पीछे कभी हट सकता हूँ। मैं सभी के अभिनंदन वंदन कहता हूँ सभी की ओर से, जो हमको सरपंच संघ का निर्बोध अध्यक्ष बनाया है। सभी सरपंचों का आशीर्वाद और स्नेह हम पे बना रहे, ऐसे में भगवान से कामना करता हूँ। और मेरी जो भी मदद लगेगी, यहाँ से कोई 79 सरपंच संघ नहीं है, हमारा परिवार है, हम इनके लिए हमेशा पग से पग मिलाने के लिए तैयार रहेंगे। किसी को कोई भी बाधा आती है, समस्या आती है, चाहे दुख हो या सुख हो, हम हर घड़ी में उनके साथ देंगे। यहाँ तक कि जिला स्तर और भोपाल स्तर तक की लड़ाई लड़ने के लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा। यह संघ हमेशा मैं चाहता हूँ कि संघ का नाम पूरे जिले में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में होना चाहिए और सभी सरपंच मिलजुल कर काम करेंगे, किसी को कभी किसी चीज़ के लिए कमी नहीं आने देंगे। सरपंच संघ के लिए हम लोगों को एक लीडर चाहिए था, उसमें हमारे पास दलित नेता के रूप में कलन अहिरवार थे, जो कि दलित समाज से भी आते हैं और लोगों का उत्थान करने में लगातार काम करते रहते हैं। तो हम लोग चाहते थे कि एक हरिजन नेता आगे आए और राजनीति को एक नया आवाम दे, जिससे हम लोगों ने एक हरिजन को आज अपना नेता चुना है और इसको सरपंच संघ का आज अध्यक्ष बनाया है।